के साथी की डेथ हुई है और चारों को गोली मारी गई थी पुलिस साथियों द्वारा, उनमें से एक की डेथ हो गई है, तीन सीरियस है। इसीलिए आज पूरे भारत में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज जो है हमने सभी ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हमने काला दिवस मनाया है, क्योंकि जो कनौरी बॉर्डर पर है, पंजाब में बनता है, वहाँ पे के हमारे पंजाब के साथी की डेथ हुई है और चारों को गोली मारी गई थी पुलिस साथियों द्वारा, जो उनमें से एक की डेथ हो गई है, तीन सीरियस है। इसीलिए आज पूरे भारत में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो सरकार का दिए बिल्कुल गलत तरीका है, सरकार का अपनी मांगों को रखने का सबका अधिकार है, लेकिन ये सरकार किसी की भी सुनाई नहीं करती। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, आने वाले टाइम में जैसे आप आज आम जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, जितने भी कर्मचारी हैं सब दुखी हैं। आने वाले टाइम में आपके बाहर का रास्ता। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। दिलबाग सिंह दलाल। हाँ जी दिलबाग जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आपने पुतला दहन किया है, क्या कहना चाहेंगे आज के इसके बारे में? आप सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार तो हर धर्मियों पर अड़ी हुई है। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हमने ये ब्लैक डे मनाया है, काला दिवस मनाया है, क्योंकि हमारा एक युवा किसान वहाँ शंभू बॉर्डर पर शहीद हो गया पुलिस की गोली से, और सरकार तो अटल से मत नहीं किसानों के ऊपर अत्याचार करे। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार तुरंत उन किसानों को बुला के और इस बातचीत के द्वारा इनकी मांगों का, किसानों की मांगों का समाधान करे। जिस तरह किसान हड़तमी पर अड़ी हुई है, इस तरह जो है किसान मोर्चा जो है कि अपनी कार्रवाई करेगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार सरकार हमारे ऊपर ना कर सके। आज जो हमने अमित शाह का, गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो पुतला फूंका है, इसी का एक विरोध था, और हमने जो हमारा किसान जो एक शहीद हुआ है उसके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त की है, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि 12 सूत्रीय जो किसानों की मांगे हैं उनको तुरंत समाधान करें। आपका नाम? मेरा नाम जयकरण मांडोठी। हाँ जी। और मैं संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आज जो हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, और अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर तथा अनिल विज का इकट्ठा ही पुतला फूंका है, ये जो बीजेपी सरकार कर रही है किसानों पर दमन अत्याचार जुल्म कर रही है, और गोली चलाकर अनेक किसान घायल कर दिए, और एक किसान युवा किसान को बिल्कुल सिर में गोली मारी है, ऐसा तो कोई दुश्मन सरकार नहीं है। ये सिर्फ आंदोलन करके अपनी मांग जो मोदी सरकार ने पहले ही जिनके वादे कर रखे हैं, केवल उनको ही याद दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और आज सारा जितना भी संयुक्त किसान मोर्चा है और उसके जो अलग हुए कुछ साथी हैं, वो सब मुद्दा आधारित आंदोलन पर एकजुट होने जा रहे हैं, और ये आज देश के पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर और तहसील ब्लॉक हेडक्वार्टरों पर ये काला दिवस के रूप में ये जो हिंसा की है सरकार की तरफ से, रास्ते रोके हैं, संवैधानिक अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनको छीना जा रहा है, इसके विरोध में ये आज रोष प्रदर्शन काला दिवस मनाया गया। ये संयुक्त मोर्चा ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च का भी आह्वान किया है, तो क्या झज्जर में भी ऐसा कार्यक्रम होगा? वो सिर्फ स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर एक साइड में अपने ट्रैक्टर खड़े करने का आह्वान है, रास्ता रोकने का नहीं है, ये पूरे देश का आह्वान है। झज्जर में भी इसको हम पूरा करेंगे।